हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम टेक सॉल्यूशंस एडवांस एक्सेल कोर्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटा टैब में हम यहाँ तक अभी तक डेटा टूल्स के सभी ऑप्शंस देख चुके हैं। आज हम जो है डेटा टूल्स में ही फोरकास्ट ऑप्शंस में देखेंगे, जहां पर हम व्हाट इफ एनालिसिस में यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर को देखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सिनेरियो मैनेजर का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट और उसके प्राइसेस जो है यहाँ पर दिए गए हैं। प्रोडक्ट वन का प्राइस है 500 रुपीज, प्रोडक्ट टू का 120 रुपीज, उसी तरह प्रोडक्ट थ्री, प्रोडक्ट फोर, प्रोडक्ट फाइव के जो है प्राइसेस दिए गए हैं। अब यहाँ पर जैसे यदि आपका कोई स्टोर है या फिर वहां पर आप मैनेजर हैं, तो आप क्या करते हैं, प्राइसेस जो होता है वह सीजन के हिसाब से, वैकेशन जो भी होता है, तो आप क्या करते हैं कि सीजन के हिसाब से जैसे कोई वेकेशन आ गया, कोई ओकेजन आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, तो उसके हिसाब से जो प्राइसेस होते हैं वह चेंज होते रहते हैं। तो प्राइसेस जो होते हैं वह घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं, तो आप वहां पर जो है प्राइसेस को आपको घटाना भी है और बढ़ाना भी है। कुछ के प्राइसेस जैसे प्रोडक्ट वन का प्राइसेस जो है घट गया, प्रोडक्ट टू का आपने बढ़ा दिया, प्रोडक्ट थ्री का आपने वैसे ही रहने दिया, प्रोडक्ट फोर का थोड़ा सा बढ़ा दिया, वैसे ही प्रोडक्ट फाइव का आपने बढ़ा दिया। तो इसी तरह आपके पास कई सारे प्रोडक्ट हैं और आपको यहाँ पर प्राइसेस को जो है यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर जो सिनेरियो मैनेजर है वह क्या करता है कि इसी सेल में जो प्राइसेस आपको शो कर रहे हैं वही प्राइसेस आपके फेस्टिवल के हिसाब से, आपका जो ओकेजन होगा उसके हिसाब से जो है यहाँ पर वो प्राइसेस शो करेगा। तो हम देखते हैं कि सिनेरियो मैनेजर जो होता है वह कैसे काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके प्राइसेस है जो अमाउंट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद व्हाट इफ एनालिसिस में आपको आना है, आपको सिनेरियो मैनेजर में जाना है और यहाँ पर आपको एक पॉपअप का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर देखिए आपको ऐड बटन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पर आपको सिनेरियो नेम दे देना है, तो आपका जो भी फेस्टिवल होगा, जो भी ओकेजन होगा या समर वेकेशन से, तो उसके हिसाब से आप नेम दे सकते हैं। सबसे पहले आपको रेगुलर प्राइसेस दे देना है, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है रेगुलर प्राइसेस और यहाँ पर आपका जो चेंजिंग सेल है किसमें चेंज होना है। तो यहाँ पर देखिए चेंजिंग सेल हमने जो भी अमाउंट प्राइसेस का जो भी अमाउंट था उन सभी सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो जहां तक भी आपका सेल है उन सभी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको वैल्यूज यहाँ पर शो होंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज जो है यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में आपको 500, 120, 150, 350 और 100, ये सभी जो आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस है यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमने प्राइसेस टाइप किया था वही प्राइसेस यहाँ पर भी शो हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो हमने रखा है ये रेगुलर प्राइसेस है, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये प्राइसेस ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, और ऐड पर क्लिक करेंगे तो आप एक नया वैल्यू यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिनेरियो नेम में आपको नया ऐड करने को मिलेगा, वो जो पहला हमने ऐड किया था वह ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर सिनेरियो नेम में आपको क्या करना है, आपको दूसरा देना है। जैसे आपको समर वेकेशन आ गया, यहाँ पर समर जो है हम टाइप करते हैं समर वेकेशन प्राइसेस, समर वेकेशन जो प्राइसेस है वो हमने दे दिया। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। अब समर वेकेशन में क्या होता है, जैसे आपका प्रोडक्ट वन 500 रुपीज का है, यह जो है घट करके 450 कर दिया हमने, ठीक है, इसका जो हमने प्राइसेस है उसको घटा दिया, वह जो है नहीं कम बिकता है, तो उसको हमने क्या कर दिया कि प्राइसेस उसको कम कर दिया ताकि वह ज्यादा बिक सके। अब यहाँ पर 120 है, प्रोडक्ट टू आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो ज्यादा बिक रहा है तो आप उसका प्राइसेस बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर 120 की जगह आप 130 कर सकते हैं। और प्रोडक्ट जो थ्री है वो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नॉर्मली बिक रहा है तो आपको वैसे ही रहने देना है। तो जिस हिसाब से आपको प्राइसेस को घटाना बढ़ाना है तो आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। और प्रोडक्ट फोर में आपको जो भी अमाउंट बढ़ाना है या घटाना है तो हम यहाँ पर बढ़ा देते हैं 10 रुपीज, यहाँ पर 360 कर देते हैं, और यहाँ पर 100 रुपीज है यहाँ पर हम 90 कर देते हैं, यहाँ पर घटा देते हैं प्रोडक्ट फाइव में। इसी तरह आपको ये हमने सेकंड वाला ऐड कर दिया। अब यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है और भी ऐड करने को ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप तीसरा ऐड कर सकते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल के हिसाब से हमने यहाँ पर फेस्टिवल टाइप कर दिया। अब यहाँ पर हमने टाइप कर दिया फेस्टिवल प्राइसेस, कोई भी फेस्टिवल हो सकता है, आप उस फेस्टिवल का यहाँ पर नेम ऐड कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप प्राइसेस को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फेस्टिवल के हिसाब से आप प्राइसेस को घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे इसका प्राइसेस फेस्टिवल में जो है 550 हो गया, हमने बढ़ा दिया, यहाँ पर 120 है तो यहाँ पर हम 130 कर सकते हैं, 150 है जैसे ये जो प्रोडक्ट थ्री है वह कम बिक रहा है या बिक ही नहीं रहा तो यहाँ पर आप इसकी प्राइसेस को घटा सकते हैं, जैसे हमने 120 कर दिया। तो यहाँ पर 350 है तो इसको हमने 370 कर दिया, ये ज़्यादा बिक रहा है। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्रोडक्ट फाइव है आपका जो है नॉर्मली जो है नॉर्मल है जो है हर सीजन में जो है ये बिकता है तो आपको नॉर्मली रहने देना है, तो आपको वही प्राइसेस रहने देना जो पहले से था। अब यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे तो आप नया ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो भी प्राइसेस आपने ऐड किया यहाँ पर आपको शो होंगे। पहला है रेगुलर प्राइसेस, फिर समर वेकेशन प्राइसेस क्या है,
फेस्टिवल के प्राइसेस क्या है, तो आप जितने भी प्राइसेस ऐड करेंगे यहाँ पर, जितने भी नेम ऐड करेंगे ओकेजन के हिसाब से, जो भी फेस्टिवल होगा उसके हिसाब से, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर जाकर के आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको शो का ऑप्शन मिल जाता है। अब देखिए, जैसे हमने प्राइसेस को ऐड कर दिया, अब यहाँ पर रेगुलर प्राइसेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे, तो ये तो आपका रेगुलर प्राइसेस है जो पहले से ही है। अब यहाँ पर जैसे आप समर वेकेशन प्राइसेस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको शो का ऑप्शन मिलता है। यहाँ जैसे आप शो पर क्लिक करेंगे, देखिए ये जो प्राइसेस है वह चेंज हो चुका है। पहले क्या प्राइसेस था, हम रेगुलर प्राइसेस में जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये प्राइसेस प्रोडक्ट वन का 500 रुपीज था, प्रोडक्ट टू का 120, प्रोडक्ट थ्री का 150, प्रोडक्ट फोर का 350 एंड प्रोडक्ट फाइव का 100। इसी तरह जितने भी प्रोडक्ट होंगे आपके पास उसके प्राइसेस होंगे। तो यहाँ पर हमने समर वेकेशन का देखा, शो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर समर वेकेशन का जो भी प्राइसेस होगा वह यहाँ पर शो करेगा। और यहाँ पर फेस्टिवल प्राइसेस देखना चाहते हैं, फेस्टिवल प्राइसेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे, देखिए फेस्टिवल प्राइसेस का जो अमाउंट है वह शो कर रहा है। तो यहाँ पर जो सिनेरियो मैनेजर होता है वो आपको एक ही सेल में जो अमाउंट आपका रेगुलर प्राइसेस का है, उसी सेल में जो है आपका जो है जो भी आपका ओकेजन के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से जो प्राइसेस आपने फिक्स किया है वह यहाँ पर शो हो सकता है। तो वह सिनेरियो मैनेजर की हेल्प से आप कर सकते हैं। अब इसी सिनेरियो मैनेजर में आपको एक समरी का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आपको यहाँ पर समरी शो करना है, तो आप समरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेल पर सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो समरी होगा, आपको देखिए सिनेरियो समरी नाम से आपको एक टेबल मिल जाएगा, आपको एक अलग से सीट मिल जाएगा, यहाँ पर सीट बन के तैयार हो जाएगा जहाँ पर आपको सिनेरियो समरी शो करेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको करंट वैल्यू दिखा रहा है और यहाँ पर रेगुलर प्राइसेस हैं, समर वेकेशंस का प्राइसेस यहाँ पर आपको शो हो रहा है और यहाँ पर जो फेस्टिवल के प्राइसेस हुआ है यहाँ पर शो हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर चेंजिंग सेल में यदि आपको चेंज करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर सेल है तो आप इसको डिलीट करके यहाँ पर आप सिनेरियो मैनेजर में आपका जो प्रोडक्ट नेम है उसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप जो है अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस कर सके और उसका जो रेगुलर प्राइसेस और फेस्टिवल के हिसाब से जो प्राइस है वो आप यहाँ पर समरी में देख सकते हैं। आई होप आपको ये सिनेरियो मैनेजर वाला ऑप्शन समझ में आया होगा कि किस तरह से हम सिनेरियो मैनेजर वाला ऑप्शन यूज करेंगे। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।